परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश व कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय, कार्यक्रम में उपस्थित ऑनरेबल वाइस चांसलर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एकेडमिक काउंसिल, ऑनर्ड गेस्ट फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट एंड राजभवन, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हु हैव जॉइंड फ्रॉम जापान टू एशिया, पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ई सिंपोजियम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड फ्रेंड्स फ्रॉम प्रेस एंड मीडिया, I welcome you all to this program from bottom of my heart. मेरी हार्दिक इच्छा थी कि शताब्दी वर्ष में महामहिम का स्वागत महामहिम के लेक्चर से हो और महामहिम का स्मृति चिन्ह जनवरी माह में ही तैयार करा लिया गया था, लेकिन परिस्थितियों की वजह से आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से महामहिम का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। 30 दिसंबर 2019 को चार्ज लेने के बाद मुझे महामहिम से कई बार विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों पर विमर्श करने का अवसर व मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। आज विश्वविद्यालय में ज्यादातर इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं, वो चाहे एकेडमिक रिफॉर्म्स के हों या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन के, स्टूडेंट सेंट्रिक फ्रेमवर्क के हों या यूनिवर्सिटी को सोसाइटी से जोड़ने के, यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के प्रयास हों या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके प्रोसेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के, ये सब महामहिम के मार्गदर्शन में ही हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ मैडम कि आपके मार्गदर्शन में आपके विश्वविद्यालय ने अपने शताब्दी वर्ष में कई ऐसे कार्य प्रारंभ किए जो संपूर्ण भारत की विश्वविद्यालय व्यवस्था में पहली बार हुआ। हम लोगों ने शुरुआत की एक ऐसे पाठ्यक्रम बनाने की जो हिंदुस्तान की व्यवस्था का मोस्ट कंटेम्प्रेरी और ट्रूली ग्लोबल स्टैंडर्ड का है। हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के करिकुलम को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की ट्रू स्पिरिट के साथ इनिशिएट किया और 10 फीचर्स वाला सीबीसीएस बनाने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का पहला विश्वविद्यालय है, जिसमें हम ओपन इलेक्टिव भी दे रहे हैं, फ्रीज इलेक्टिव भी दे रहे हैं, क्रेडिटेड वैल्यू एडेड कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉन क्रेडिटेड वैल्यू एडेड कोर्स भी कर रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफर भी कर रहे हैं, इंट्रा डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफर भी कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म क्रेडिट अक्रॉस दी सब्जेक्ट स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम मूक्स का प्रोविजन भी कर रहे हैं, हम लिटरेचर के विषय में भी मैडम इंटर्नशिप और डिसर्टेशन प्रपोज कर रहे हैं अपने नए कार्यक्रम के अंदर। इसी के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुका है जो अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट असेसमेंट करने जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय इसी तरह देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो हिंदुस्तान की किसी भी शहर का बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा है, जो अब से कुछ देर बाद ही महामहिम जिसको रिलीज करेंगी वो लखनऊ शहर का है। लखनऊ विश्वविद्यालय शायद देश की पहली रेगुलर यूनिवर्सिटी हो जिसके सभी विभाग, एक ओरिएंटल एंड पर्शियन स्टडीज को छोड़ के सभी विभागों का अपना यूट्यूब चैनल है और इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान हम लोगों ने उसको काफी बेहतर तरीके से लीवरेज किया। आपकी यूनिवर्सिटी मैडम अपना नया पीएचडी ऑर्डिनेंस कंप्लीट कर चुकी है और जैसे ही हम एकेडमिक काउंसिल करेंगे अगला, उसके तुरंत बाद उसको लागू कर देंगे अगले एकेडमिक सेशन से। एकेडमिक्स को गति मिले इसके लिए आपके मार्गदर्शन से जैसा प्राप्त होता रहा उसी तरह से हम लोगों ने एक अलग एकेडमिक सेल का गठन भी किया जिससे कार्यों को ज्यादा गति मिल सके। यदि विश्वविद्यालय का दायित्व छात्र और समाज का होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू वैल्यू एडिशन है तो मैं कह सकता हूं मैडम कि आपकी यूनिवर्सिटी इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है और वैल्यू एडिशन का जो कन्वेंशनल मॉडल डिनोमिनेटर ड्रिवन है, अगर वैल्यू बेनिफिट अपॉन कॉस्ट है तो वो कॉस्ट ड्रिवन ना होके बेनिफिट ड्रिवन है, बेनिफिट सेंट्रिक है और मुझे लगता है ये करने वाला आपका विश्वविद्यालय शायद वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री है। हम ये सब ये मानते हुए और जानते हुए कि ये ज्यादा श्रम साध्य है, ज्यादा योजनाकारी है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि यही दीर्घकालिक है और यही सस्टेनेबल है जिससे कि छात्रों का टेक अवे हम ज्यादा बेहतर बना सकें बनिस्पत की उनकी फीस को कम करके और उनके वैल्यू प्रपोजिशन को बढ़ाने की। छात्रों के लिए आपके मार्गदर्शन जैसा प्राप्त होता रहा, लगातार हम लोगों ने कई नई योजनाएं शुरू की, अभिनव योजनाएं शुरू की जो देश में पहली बार हुई और उसको काफी सराही गई। स्टूडेंट ओपीडी स्कीम और एक टीचिंग रीचिंग इम्बोल्डनिंग एंड इवॉल्विंग ट्री स्कीम हम लोगों ने शुरू की जो स्टूडेंट मेंटरिंग प्रोग्राम था और इस लॉकडाउन पीरियड में इसका हम लोगों ने अधिकतम लाभ लिया।
मैडम आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने हाल में अपने पिछली फाइनेंस कमेटी में इसको पास कराया था कि हम पुअर बॉयज फंड को रीनेम करके स्टूडेंट वेलफेयर फंड कर रहे हैं और उसके तहत हम दो नई स्कीम्स ले आ रहे हैं, छात्र कल्याण की स्कीम, एक कर्मयोगी स्कीम जिसमें एक स्कॉलरशिप स्कीम है, एक अर्न वाइल लर्न स्कीम है। हम लोगों ने ये भी कोशिश करी कि अपनी ज्यादातर कमेटियों में अपने स्टूडेंट्स की डायरेक्ट सहभागिता करें और वो उनको निर्णय प्रक्रिया का भागीदार बनाएं, जैसी कि आपकी मंशा रही है। मुझे ये भी हम सब इस तथ्य से अवगत हैं कि पूरे प्रदेश में कोई भी रेगुलर यूनिवर्सिटी ना तो NIRF में जिसकी रैंकिंग है और ना तो NAC में ए ग्रेडेड है। आपके लगातार प्रोत्साहन और आपके इस विषय में जो कंसर्न है उसको एड्रेस करते हुए हम लोगों ने लगातार कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में कार्य करें। और मैं आपको इस ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है मैडम कि अभी हाल में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने डिजिटल एजुकेशन के लिए काफी पैसा इंस्टीट्यूशंस को देने की बात कही, लेकिन उसमें वो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस को मानते हैं। हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में ये डिसाइड किया था कि हम डिप्लोमा प्रोग्राम्स को ऑनलाइन मॉडल पे शिफ्ट कराएंगे, लेकिन उसमें भी ऑटोमेटिक अप्रूवल सिर्फ A+ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस को ही है, अदरवाइज वो पूरी प्रक्रिया के तहत ही जाना है जिसमें काफी समय भी लग रहा है और वो थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग और टीडियस हो सकता है। अपने टीचर्स के लिए भी मैडम आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी हम रिसेंटली ही अपनी फाइनेंस कमेटी और उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसको प्रपोज कर रहे हैं, 3 स्कीम्स टीचर्स को ले आ रहे हैं, एक रिसर्च प्रमोशन के लिए उद्दीपन स्कीम, एक इसी रिसर्च न्यूअर फैकल्टीज के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम, और जो हमारे टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए, उनके फेलिसिटेशन के लिए एक अक्लेम स्कीम ला रहे हैं मैडम। टीचर्स के प्रमोशन और सिलेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी ने आपकी मंशा के अनुरूप भी एक सेपरेट सेल का कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जो 3 प्रोफेसर हमारे देखते हैं। इससे कार्य को काफी गति भी मिली है और हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा त्रुटिहीन हो सके। रिटायर्ड टीचर्स के लिए भी एक स्कीम हम अभी अपनी अगली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर प्रपोज कर रहे हैं, जो प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस की एक स्कीम, उनकी मेधा का भी लाभ विश्वविद्यालय को चलाने में और बढ़ाने में मिले। रिसर्च अब जैसा आप चाहती हैं विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता है, हम लोगों ने लॉकडाउन पीरियड के दौरान ही 10 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट अलग अलग फंडिंग एजेंसीज को हमारे एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स ने अप्लाई किया है। आपकी मंशा के अनुरूप ही हम एक संस्थान अभी हाल ही में अपने फाइनेंस कमेटी और अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रपोज करने जा रहे हैं मैडम, जिसमें एक योग व वैकल्पिक चिकित्सा के संस्काय का सृजन और कोविड जैसी, आपने पिछली वार्ता में इस बात को विशेष उल्लेख किया था कि कोविड जैसी इन्फेक्शियस डिजीज पर टीचिंग, रिसर्च और ट्रेनिंग को एड्रेस करने के लिए एक नया प्रस्ताव हम लोगों ने, एक नया इंस्टीट्यूट क्रिएशन पर भी हम काम कर रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड के दौरान मैडम आपकी यूनिवर्सिटी लगातार कार्य करती रही है और काफी मनोयोग से कार्य करती रही है। टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग एक बड़ा विषय है जिसको हम लोगों ने एक 3C मॉडल डिजाइन किया और उस 3C मॉडल के ऊपर काम किया। पहला, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्डक्ट ऑफ क्लास हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। दूसरा, कनेक्ट विथ स्टूडेंट, किस तरह से हम लगातार उनके साथ बने रहेंगे। और तीसरा, कंटेंट क्रिएशन। मुझे ये बताते हुए खुशी है मैडम कि आपकी यूनिवर्सिटी इन 3 C के ऊपर वन ऑफ दी पायनियर इंस्टीट्यूशन एंड वन ऑफ दी लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन दी कंट्री हुई है, डिस्पाइट उन तमाम हैंडीकैप्स के बावजूद जो आप बेहतर, जिसको अच्छे से समझती हैं और उससे उसको एड्रेस करने के लिए लगातार निर्देश देती रहती हैं। मैं ये भी बताऊं कि इनोवेशन में इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी आपके विश्वविद्यालय ने कई ऐसी चीजें करी हैं जिससे विश्वविद्यालय की पहचान को एक नया अहम आयाम मिल सके। सैनिटाइजर आपने देखा उसको और आपने ही डायरेक्शन दिया था कि इसका सिर्फ बनाने से नहीं होगा, इसका कुछ कॉमर्शियल इस्तेमाल भी विश्वविद्यालय सोचे फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएशन। आपकी मंशा के अनुरूप मैडम उसका हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट किया, जो आपकी यूनिवर्सिटी ने अपने इतने सालों के अस्तित्व में होने के पहली बार इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया
और वो आपके निर्देशन पर ही संभव हुआ। हमारा काढ़ा भी आपके यूनिवर्सिटी ने बनाया जो न्यूराम 19 के नाम से, जिस को काफी पॉपुलैरिटी मिली। हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यूपी पुलिस के साथ बहुत सारी काउंसलिंग, आपको पता है उनके साथ एमओयू किया, ऐसे कई सारे संगठनों के साथ हम लोगों ने इस दौरान एमओयू किया। एक एमओयू मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज ही हम लोग यूपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ शाम तक उसको साइन करने जा रहे हैं। मैडम, विश्वविद्यालय की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए जैसा आप चाहती हैं अपनी वेबसाइट हम लोगों ने रिफर्बिश की, जिसको आप बहुत काइंडली आपने उसको लॉन्च किया, रीलॉन्च किया। और आज की डेट में ज्यादातर हमारी इंफॉर्मेशन, इवन हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिनट्स, हमारे फाइनेंस कमेटी के मिनट्स, हमारे एकेडमिक काउंसिल के मिनट्स और इवन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी भी हमारा हमारी वेबसाइट पे है। जो नहीं है वो प्रक्रिया में है, बहुत सारी चीजें सारी की सारी हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमारी मंशा साफ है, जैसा आप कहती हैं उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो everyone has got right to access all the information with respect to the institution without any hitch. तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्लेस कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ने की आप हमेशा से पक्षधर रही हैं और इस बारे में आप काफी इंसिस्ट करती रही हैं। मुझे याद है 1 अप्रैल 2020 को आपने उत्तर प्रदेश के कुलपति लोगों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें आपने मुझसे पूछा कि भाई लखनऊ विश्वविद्यालय क्या कर रहा है इस कोरोना क्राइसिस के अंदर। तो उस दौरान भी मैडम मैंने कहा था कि हम लोग इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने उस समय समाज के लिए कुछ कार्य करने का निर्देश दिया था मैडम, और मैं बताऊं कि कम्युनिटी सर्विस थ्रू क्राउड सोर्सिंग बाय कम्युनिटी किचन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हैज बीन अ ह्यूज हिट। हमारा अपना 6 अप्रैल से विश्वविद्यालय का कम्युनिटी किचन चल रहा है जो क्राउड सोर्सिंग पर चल रहा है, जिसमें हमारे टीचर्स, नॉन टीचिंग और इन्हीं सारे लोगों का सहयोग रहा। समाज के बहुत लोग आए, हमारे बहुत अल्यूमनाई आए, हमने विश्वविद्यालय का कोई धन लिया नहीं, लेकिन आपके लगातार निर्देश जिस तरह से मिलते रहे और प्रोत्साहन मिलता रहा, उससे हम लोग करीब करीब 40,000+, ये पिछला रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ एक हफ्ते पहले का, 40,000+ लोगों को हम फीड कर पाए। ये आपके प्रोत्साहन की वजह से ही संभव हुआ मैडम। आपने प्रेरणा दी थी विश्वविद्यालय में गर्भ संस्कार के कार्यक्रम का, जिसका सोसाइटल सोशल आउटरीच में हम इस्तेमाल करें, वो आपको ही उसका उद्घाटन करना था। वो सारी तैयारी विश्वविद्यालय ने कर रखी है, एक पुस्तिका भी प्रिपेयर बन चुकी है जो आपको ही उसको रिलीज करना है। लेकिन उसका और लाभ लेते हुए विश्वविद्यालय के सिस्टम में हम लोगों ने अपने, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन स्टडीज है जिसमें हम प्रोग्राम भी प्रपोज कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अभी हाल ही में हम लोगों ने उसका एक वेबिनार कराया था जिसमें देश के अलग अलग भागों से लोगों की भागीदारी रही। कई सारे अस्पताल हमारे पास खुद से आए कि भाई हमारे साथ ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का आप चाहें तो MOUs कर सकते हैं। मैडम, आपके निर्देशन में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मंशा के अनुरूप विश्वविद्यालय का संचालन कर सकें। मैं मैडम हार्दिक रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जो आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार मैडम। और हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहेगा और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में हम सब सफल, आपकी मंशा के अनुरूप बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।